अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातु। कायमा बीबी किचन में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम बना रहे हैं चिकन और फूल गोभी। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ हम चिकन लिए 2 किलो और 2 फूल गोभी, अदरक लहसुन और हरी मिर्च पेस्ट कर लिए, टमाटर पेस्ट कर लेंगे, 2 टमाटर पेस्ट है, 4 ऑनियन पेस्ट कर लेंगे, इस तरह मोटा मोटा कट कर लिए, इस तरह पेस्ट कर लिए। डेगची में 100 ग्राम राइस ऑयल दिए, राइस ऑयल गर्म हो गया इसलिए फूल गोभी ऐड कर रहे हैं। अच्छी तरह फूल गोभी फ्राई कर लेंगे। थोड़ा चला लेंगे। अब इसमें ऐड कर रहे हैं 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे ब्राउन होने तक। फूलगोभी फ्राई हो चुका है, प्लेट में उठा लेंगे। इसी ऑयल में आलू फ्राई कर लेंगे। ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों आलू फ्राई हो चुका है, उठा लेंगे प्लेट में। उसी ऑयल में 2 तेज़पत्ता, 1 दालचीनी और 4 लौंग, 4 इलाच ऐड कर रहे हैं। इलाच थोड़ा तोड़ के ऐड कर रहे हैं। थोड़ा चला लेंगे। छोटा छोटा ऑनियन है 5-6, इस तरह ऑनियन चॉप करके ऐड करेंगे। ऑनियन फ्राई कर लेंगे ब्राउन होने तक। आप देख सकते हैं दोस्तों ऑनियन फ्राई हो चुका है। अब अदरक लहसुन और हरी मिर्च पेस्ट ऐड कर रहे हैं, भून लेंगे इसका कच्चापन जाने तक। अब इसमें ऐड कर रहे हैं ऑनियन पेस्ट। थोड़ा चला लेंगे। अब ऐड कर रहे हैं टमाटर पेस्ट। चला लेंगे। अब इसमें सूखा मसाला ऐड कर रहे हैं, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून सब्जी मसाला, 2 टीस्पून नमक, नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, 2 टीस्पून ऐड कर रहे हैं, भून लेंगे। थोड़ा पानी ऐड करके भून लेंगे। मसाला भून लिए, अब चिकन ऐड कर रहे हैं। मसाले के संग चिकन भून लेंगे। धनिया पत्ता ऐड करने हैं 2 टेबलस्पून। थोड़ा चला लेंगे। चिकन भुनने के बाद अब फ्राई किया आलू और फूलगोभी ऐड कर रहे हैं।
मिक्स कर देंगे। उबला हुआ पानी 1.5 लीटर ऐड कर रहे हैं चिकन में। थोड़ा चला लेंगे, ढक के पका लेंगे 20 से 30 मिनट। आप देख सकते हैं दोस्तों, उबलना शुरू हो गया है। थोड़ा चला लेंगे, लो फ्लेम पे ढक के पका लेंगे 20 से 30 मिनट। आप देख सकते हैं दोस्तों, फूलगोभी और चिकन कंप्लीट। दोस्तों आप लोग भी इस तरह बनाएं, खाएं, खाने में वेरी वेरी टेस्टी। दोस्तों मेरा रेसिपी ज़रूर पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करने में नहीं भूलिएगा। बगल में बेल आइकन है, उसको भी क्लिक कर दीजिएगा, उससे नोटिफिकेशन मिल जाएगा आप लोगों के पास। चलाएँगे नई एक रेसिपी के संग, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर।